आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ टूटी फ्रूटी बिस्किट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा कप वनीला फ्लेवर कस्टर्ड लिया है। इससे बिस्किट बनाने में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। एक कप मैदा लिया है, एक कप पिसी हुई चीनी ली है और टूटी फ्रूटी ली है मैंने आधा कप टोटल, ग्रीन और रेड कलर की। आप कोई भी कलर की टूटी फ्रूटी यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ा चम्मच काजू के छोटे टुकड़े कर लिए हैं। 100 ग्राम मक्खन लिया है, ये रेडीमेड सॉल्टेड बटर है, आप घर का मक्खन भी यूज कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और चुटकी भर मैंने बेकिंग सोडा लिया है और थोड़ा हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध है। और बिस्किट को बढ़िया टूटी फ्रूटी फ्लेवर देने के लिए हमने पाइनएप्पल एसेंस इसमें यूज़ किया है। इसकी जगह आप रोज एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। एसेंस डालने से बिस्किट में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में हम बटर ले लेंगे। बटर बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है और ये हमने रूम टेम्परेचर पर ही रखा हुआ है। ये सॉल्टेड बटर है। अगर आप घर का बनाया हुआ मक्खन यूज कर रहे हैं तो यहाँ आप बटर में एक चुटकी नमक डाल लें और साथ ही इसमें हम पिसी हुई चीनी डालकर दोनों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। एकदम एक क्रीमी और इसका फ्लफी स्ट्रक्चर हमें तैयार करना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको फेंट लेंगे। अब इसमें हम मैदा डालेंगे। इसके लिए हम एक छलनी लेंगे, उसमें हम मैदा, कस्टर्ड पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा चारों को डाल देंगे और छानते हुए हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। ऐसा करने से पूरे मिक्सचर में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। अब इसको हम एक स्पून से हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे पाइनएप्पल एसेंस। ये मैंने आधा चम्मच पाइनएप्पल एसेंस यूज किया है। वैसे ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही इसमें टूटी फ्रूटी डाल देंगे और काजू को भी हम ऐड कर देंगे। एक बार इसको मिक्स करेंगे और अब इसका हम एक डो फॉर्म करेंगे। हाथ से हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये ध्यान रखना है कि इसको हमें आटे की तरह गूंथना नहीं है, बस हम इसको उंगलियों से थोड़ा सा इकट्ठा करें और यदि हमें लगे कि मिक्सचर सूखा हो रहा है तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। दूध भी हम फ्रिज से एकदम निकाला हुआ ठंडा दूध यूज नहीं करेंगे, रूम टेम्परेचर पर ही दूध को हमने रखा हुआ है। कोई भी बेकिंग आइटम हम बनाते हुए इस चीज का ध्यान रखेंगे कि सभी चीजें जो हम यूज कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, तो हम जो भी कोई बेकिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अच्छा बनेगा। अब देखिए, इसको हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। पाइनएप्पल एसेंस की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और इसको हम दो पार्ट में बांट लेंगे। थोड़ा सा इसको हम स्मूथ कर लेंगे इस तरह हाथ पर लेकर। अगर यहाँ आपको लग रहा है कि ये बाइंड होने में थोड़ा दिक्कत कर रहा है तो अभी हम इसी वक्त ही बोल को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं हल्का सा इसको सेट करने के लिए। और ये देखिए, इसमें मैंने 2 या 3 चम्मच ही दूध यूज़ किया है। अब ये देखिए, ये हमने बढ़िया तरह इसको स्मूथ कर लिया है और अब इसे हम एक बिस्किट की फॉर्म करने के लिए तैयार करेंगे। ये मैंने एक शीट ली है। एक बोल हम उठा लेंगे और इस बोल को इस तरह हथेलियों से थोड़ा सा लंबाई में रोल करेंगे। बिस्किट आप किसी भी शेप से बना सकते हैं। मैं थोड़ा इसको चौकोर ही बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको शीट पर रखकर और ऐसे हम हाथों से इसको थोड़ा सा शेप देंगे। आप गोल बनाना चाहते हैं तो आप इसको नॉर्मल
रोल करके रख सकते हैं। दोनों रोल को हमने अलग अलग तैयार कर लिया है, इसको अच्छी तरह से हमने शेप दे दी है और शीट को हम कवर कर देंगे और अब ये जाएंगे आधा घंटा के लिए फ्रिज में, जिससे कि ये थोड़ा इनकी जो शेप हमने दी है वो सेट हो जाए और बिस्किट आराम से और अच्छी तरह कट कर पीसीज में हम अलग अलग कर सकें। आधा घंटा हो गया है, इसको हम फ्रिज से बाहर निकाल लेंगे और अब इसको पीसीज में काटना शुरू करेंगे। बस हम ये ध्यान रखेंगे कि बिस्किट को थोड़ा सा हम मोटी शेप में काटेंगे, क्योंकि बिस्किट बनने हुए फैल जाएगा बेक होते हुए, तो थोड़ा सा मोटा रखेंगे तो बिस्किट की शेप भी बढ़िया बनकर आएगी। ये हमने सब देखिए कट कर लिया है, अभी इस वक्त ही देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और मोटाई ये देखिए इतनी हम इसकी लगभग मोटाई रखेंगे। इसको मैं माइक्रोवेव में बेक करूंगी कन्वेक्शन मोड पर, इसके लिए मैंने माइक्रोवेव सेफ ट्रे लिया है, ट्रे नॉन स्टिक है इसलिए मैं इसको ग्रीस नहीं कर रही हूँ। और अब हम बिस्किट को हल्का सा शेप दे देंगे, यानी यदि कोई किनारा इसका अनइवन है तो उसका थोड़ा सा हम इवन कर लेंगे और यदि कोई टूटी फ्रूटी बाहर निकल रही है तो उसको भी हम थोड़ा ठीक कर लेंगे। और इस तरह करके इसको हम ट्रे पर रखेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, क्योंकि बेक होते हुए बिस्किट थोड़ा तो फैलेगा तो आपस में वो चिपक ना जाए, इसलिए हम उसको थोड़ा थोड़ा दूरी पर रख देंगे। और माइक्रोवेव को मैंने 180 डिग्री पर कन्वेक्शन मोड पर गर्म होने के लिए रखा है। माइक्रोवेव प्री हीट हो गया है, इसमें हम बिस्किट रख देंगे, 16 से 20 मिनट हम इसको बेक करेंगे। ये मैंने करीब 18 मिनट में बिस्किट को बाहर निकाल लिया है। अभी बिस्किट बहुत सॉफ्ट है, इसको हम आराम से हैंडल करेंगे और इसको निकाल लेंगे। यानी ये बिस्किट हम बेक करते हुए 15 मिनट के बाद चेक कर लेंगे, वो 16 से और 18-20 मिनट के बीच में बिस्किट बेक होकर तैयार हो जाएंगे। अब जो हमारा दूसरा लॉट बचा हुआ था उससे हम फिर दोबारा से बिस्किट कट करेंगे, उसको ट्रे पर फैलाएंगे और दोबारा हम उसको कन्वेक्शन मोड पर प्री हीट ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। बिस्किट बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इस वक्त मेरी किचन में, पाइनएप्पल फ्लेवर जो हमने इसमें डाला था। और ये देखिए बिस्किट दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह सिक गया है, बढ़िया एकदम क्रिस्पी और बहुत अच्छा बिस्किट बना है। आप इस बिस्किट को जरूर ट्राई करें और ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो इसको शेयर भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें।